देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए आज योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज सहारनपुर पहुँचे, जहाँ स्वामी रामदेव जी महाराज ने 3 दिवसीय शिविर की व्यवस्थाओं को लेकर प्रेस वार्ता की। सब लोग रोग मुक्त बने, व्यसन मुक्त बने, तनाव मुक्त बने, बीमारी बुराइयों और तनाव मुक्ति का संकल्प लेकर के एक स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान भारत बने, उसके साथ हम ये शिविर कर रहे हैं। 3-3 दिन के शिविर मेरे 21 जून तक चलेंगे, फिर बरसात में रेसिडेंशियल कैंप करेंगे। पूरे देश में हम ये 30 वर्षों से जागरण कर रहे हैं और 25 वर्षों से तो सारा देश हमें देख रहा है। हम बिना रुके बिना थके आगे बढ़ रहे हैं और एक ही सपना है, मेरा भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र बने, एक स्वस्थ समृद्ध भारत बने, 2050 तक भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति बनाने के लिए, विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति भारत बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और सहारनपुर से हमारा लगभग 25 वर्ष पुराना संबंध है। बहुत 25 वर्षों से मैं सहारनपुर ज़िले में आता रहा हूँ, अभी पहली बार बड़ा शिविर हो रहा है, मुझे लगता है सब अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ। देखिए, राजनीति सबसे अनिश्चितता वाला और सबसे ज़्यादा चुनौती भरा उत्तरदायित्व है। मोदी जी की नीयत नीतियाँ और नेतृत्व को लेकर के लोगों में संतोष है, लेकिन उम्मीदें पहाड़ जैसी हैं। योजनाएं तो बहुत बनाई हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षाएं अभी भी बहुत बड़ी हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।